बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं सच स्पेशल। आज के स्पेशल प्रोग्राम के अंदर, आज 12 जून है और आज से ठीक लगभग 11 साल पहले 2009 को, 12 जून 2009 को हमसे एक अजीम शख्सियत रुखसत हुई। उस अजीम शख्सियत की सियासी जद्दोजहद क्या थी, उसकी इल्मी जद्दोजहद क्या थी, उन्होंने किस तरह से अपने फ़िरका वाराना जो दहशतगर्दी थी उसको ख़त्म करने के लिए जो क्या किरदार अदा किया था, उन्होंने बैनुल मसालिक आहंगी के लिए क्या किरदार अदा किया था, उन तमाम पहलुओं के ऊपर रोशनी डालेंगे। मेरी मुराद है डॉक्टर मोहम्मद सरफराज नईमी साहब। ये जामिया नईमिया के नाज़म आला थे और आपने हर वक्त में जो भी वक्त के फिरौन थे, जिसमें सबसे नुमाया जनरल मुशर्रफ थे, जिनके खौफ से, फौजी खौफ से आवाम कांपती थी, उनके सामने कलमा हक बुलंद किया। और ये डॉक्टर मोहम्मद सरफराज नईमी साहब ही के खाते में ये बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डाली कि उन्होंने हर मौके के ऊपर हक का साथ दिया, हर मौके के ऊपर उन्होंने किसी भी किस्म के तासुबात से पाक होकर ज़िंदगी गुजारी। आज उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर रोशनी डालेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं उनके बरखुदार हैं डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी साहब। आप नाज़म आला हैं जामिया नईमिया के और मिंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। हम आपसे सबसे पहले तो ताज़ियत भी करते हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। आप हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। हम उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अमीरुल अज़ीम साहब। आप सेक्रेटरी जनरल हैं जमात इस्लामी के। आपका बहुत शुक्रिया अमीरुल अज़ीम साहब, आपने प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हाफिज़ सैयद काज़िम रज़ा नकवी साहब। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ हज़रत कि आपने हमें प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके पास से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। आज का वो दिन था जिस दिन डॉक्टर मोहम्मद सरफराज नईमी साहब ने जामे शहादत नोश किया। आप सबसे पहले तो उनके घर ज़रा घरेलू पस मंज़र के ऊपर रोशनी डालिएगा, फिर आगे बढ़कर मैं अमीरुल अज़ीम साहब से उनकी सियासी जद्दोजहद के ऊपर और मुख्तलिफ़ पहलुओं, उनकी ज़िंदगी के पहलुओं के ऊपर रोशनी डालते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। और वाक़ता मैं समझता हूँ कि ये सच टी वी को ही ज़ेबा है कि वो डॉक्टर सरफराज नईमी शहीद अलैहिर्रहमा और इन जैसे दीगर नामवर शख्सियात जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान नजराने के तौर पर पेश की, उनकी हयात और उनके हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद करें। देखिए, कोई भी शख्स अपने घर में कैसा होना चाहिए, हमारे सामने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा है कि जो शख्स उनकी हयात से अपने लिए उसूल अख्स करता है और अपने लिए ज़िंदगी गुजारने के नज़म व ज़ब्त को मुकर्रर करता है, वही शख्स बेहतरीन बनता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही इरशाद फरमाया था, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। हम ये देखते हैं कि एक ड्यूअलिटी होती है, दो चेहरे होते हैं आम तौर पर, ख़ास उन लोगों के जो कि मुआशरे में एक नाम रखते हैं, एक मुकाम रखते हैं, घर में किसी और तरीके से उनकी ज़िंदगी गुजर रही होती है, फ्रंट पर जो उनका लोगों के सामने चेहरा होता है वो और तरह का होता है। लेकिन वालिद गिरामी अलैहिर्रहमा जिस तरह उनका फ्रंट के ऊपर चेहरा था, घर में भी बिल्कुल वैसा ही चेहरा था। जिस तरह उनके मिलने वाले उनकी नरम मजाजी की बात करते हैं, खुश मजाजी की बात करते हैं, खुश गुफ्तारी की बात करते हैं, बिल्कुल घर में भी वो इसी तरीके से नरम मजाज और खुश गुफ्तार भी थे। बल्कि बाज़ चीज़ों में आके उनकी तरफ से रहनुमाई इस तरह मुयस्सर आती थी कि हमारे लिए ख़ुद बड़ा मुश्किल हो जाता था कि हम किस तरीके से इन बातों के ऊपर अमल करें। उनकी रोज़ाना का मामूल ये था कि वो सुबह फजर की नमाज़ के बाद अपने उन असबाक को देखा करते थे जो उन्होंने मदरसे में पढ़ाने होते थे। यानी यूँ कह लीजिए कि जुमे के दिन शहादत है, जुमे से पहले दिन जुमेरात जो है उस जुमेरात तक वो हदीस का सबक पढ़ाते रहे हैं, वो फिक पढ़ाते रहे हैं, वो कानून पढ़ाते रहे हैं। आप मुतालिया फरमाते और मुताले के साथ ही फिर आपका नाश्ता चल रहा होता था। नाश्ता बहुत सादा, चाय का एक कप है और एक रोटी है और अगर सालन है तो ठीक है, ये अंडा है। उसके बाद फिर अब फिर उनकी ये आदत थी कि जिस वक्त मदरसे का टाइम लगना है उससे उन्होंने 10-15 मिनट पहले पहुंच जाना है। और वो अक्सर ये कहा करते थे कि जो नाज़िम है, प्रिंसिपल है या किसी भी दायरे का सरबराह है, जब तक वो सबसे पहले दायरे में नहीं पहुंचेगा वो अपने दायरे को तरक्की नहीं दे सकता। वक्त के बहुत पाबंद, वक्त के वो पाबंद थे। वो असम्बली के दौरान या असम्बली शुरू होने के फौरन, लोगों की ये सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो वक्त के पाबंद होते हैं।
तो वो पहुंच जाते अपने सामने असम्बली करवाते और उसके बाद फिर सबसे पहले उनकी क्लास शुरू हो जाती। तो जब उनकी क्लास शुरू होती फिर वो क्लास पढ़ाते, दो क्लास, तीन क्लास, इस तरह अपनी फिर ऑफिस में आके बैठ जाते। फिर दोपहर का खाना जोहर के बाद घर में ही तनावल फरमाते थे और उसी खाने के दौरान अखबार भी नहीं कर लिया करते थे। अच्छा। जितने उस दिन की अहम खबरें थीं वो उसी वक़्त ही वो देख लेते थे। उसके बाद फिर वो लाजमी आदि हालात बखूबी आगा बखूबी आगा थे। उसके बाद फिर आप केलूला फरमाते आधा घंटा, पौना घंटा, एक घंटा, एक घंटे ज़्यादा केलूला। अच्छा। आप नहीं करते थे लेकिन करते ज़रूर थे, लेटते ज़रूर थे, वो सुन्नत पूरी करते थे। उसके बाद फिर आप दोबारा तैयार होकर मदरसे तशरीफ ले जाते हैं, उसके बाद किसी और जगह जाना है, कहीं प्रोग्राम पर जाना है। फिर रात को जब वापस आते, अगर उन्होंने कहीं पर जाना ना होता तो खाने के साथ फिर अखबार के कॉलम्स अब शुरू हो जाते हैं, मुख्तलिफ राइटर्स के वो कॉलम। दिन भर मुताले के अंदर उनका वक्त मुताले का वक्त गुजरता था बिल्कुल गुजरता था। लेकिन उसके साथ बड़े मुतहरक थे और वो बसा औकात एक दिन में इशा के बाद से लेके रात के 11-12 बजे तक तीन तीन चार चार प्रोग्राम अटेंड करके आ जाया करते थे। वो किसी भी प्रोग्राम में आधा घंटा, पौना घंटा ज़्यादा नहीं बैठा करते थे। वो किसी भी प्रोग्राम में अपने लिए सबसे आखिरी तकरीर का इंतज़ार नहीं करते थे कि जो बड़ा मुकर्रर है या बड़ा नाम वाला सबसे आखिर। वो कहते थे कि मुझे 5-10 मिनट चाहिए, मैंने सिर्फ माफी ज़मीर का इजहार करना है, जो एक सोच है करंट उसी को बयान करना है। उसके बाद फिर वो ये उनकी आजजी का पहलू भी है जो आप बयान कर रहे हैं कि उनको ये नहीं होता था कि वो आखिर तक बैठे सदारत लें उसकी। जी बिल्कुल, उन्हें कहता नहीं था। और जो बुलाने वाले हैं उन्हें भी ये मालूम नहीं होता था कि कितने बजे उन्होंने आना है, और अगर आके स्टेज पर तशरीफ फरमा होते तो वो ढूंढते रहते थे कि अभी आना है उन्होंने। ठीक। उन्होंने कभी हमेशा करो फर हटो बचो, जो आम तौर पे बड़े मुकर्ररीन या बड़े उलमा के साथ मामलात वाबस्ता होते हैं वो इनसे कोसों मील दूर थे। वो मैं उनके ज़िंदगी के और मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर भी बात करी है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अमीरुल अज़ीम साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। अमीरुल अज़ीम साहब, आपका भी एक ताल्लुक रहा, एक मौके के ऊपर उन्होंने आपकी हमायत भी की थी, वो ज़रा पस मंज़र के ऊपर रोशनी डालिएगा और आपकी उनसे जुड़ी यादें क्या है वो भी नाज़रीन के लिए पेश कीजिएगा। देखिए, मैं इस लिहाज से समझता हूँ कि मेरे वो मोहसिन हैं, बुनियादी तौर पे वो इल्मी, दीनी और मिल्ली शख्सियत आप उसे कह सकते हैं। अगर सियासत की है तो इन तीन तनाजुर के साथ की है, कोई उनका और मकसद जो है वो कभी भी नहीं रहा। यानी जब मुशर्रफ के ज़माने में बाय इलेक्शन हो रहा था और यहाँ पर अलीम ख़ान के मुकाबले में मैं कैंडिडेट था, मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक कैंडिडेट थे, और बिल आखिर बहरहाल कुछ ऐसी नतज पैदा हुए, बहुत सारे लोग बीच में मिले और जिन्होंने कहा कि जी एमएमए और मुस्लिम लीग इकट्ठी होकर 1-to-1 जो है ना वो सारा सिलसिला करे, तो उसमें बहरहाल उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा सरपरस्ती की और पूरे इलाके के अंदर आप समझिए कि हमायत, अमली हमायत की, सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने को वहाँ पर बैठ के कोई गुफ्तगू कर दी, तकरीर बयानबाजी तक नहीं। जी हाँ, वो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अपने जितने भी मुअस्सर लोग थे उनको हमारे साथ लगाया और गली और मोहल्लों में जो है ना वो एक हमारी पूरी तरह से सरपरस्ती उन्होंने फरमाई। बल्कि ऐड करूंगा मैं यहाँ पे, जामे दीमे के बाहर जलसा भी था। अच्छा। उस जलसे बकायदा जलसे को मैनेज अरेंज करवाया कि ये। जी हाँ बिल्कुल, हम जिस जगह पर भी उस पूरे इलाके के अंदर गए तो लोगों ने कहा कि जी मौलाना की तरफ से हमें पैगाम मिला हुआ है। यानी जब हमने उन्हें नहीं भी कहा, जलसा तो कहना ना कि जी आप उनके घर के बाहर एक कर लेते हैं, लेकिन उससे हटके उन्होंने बिल्कुल जैसे वो खुद एक हमायत पूरी पूरी ताईद उन्होंने जो है ना वो। अमीरुल अज़ीम साहब, उनकी जो सियासी जिंदगी है वो अगर आप बयान कर सकें कि किस तरह से वो सियासत के अंदर कितने। नहीं, मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। मैंने पहले भी कहा कोई उनकी सियासी जद्दोजहद नहीं, उनकी जद्दोजहद है वो दीन के लिए है, इल्म के लिए और मिल्लत के लिए है। अच्छा। और सरापा इखलास, तो आप इसमें कहें कि इससे फलाओं को फायदा हुआ क्या हुआ, बुनियादी तौर पे वो दीन को, 1985 में नवाज शरीफ का जो पहला जो कुछ भी था वो ये था, नहीं भी सामने जी, वो ठीक है, लेकिन उसका मकसद ये था कि किसी तरह से मिल्लत आगे आए, दीन आगे बढ़े, इस्लाम आगे बढ़े, इस नुक्ते नजर से वो कर रहे थे। उन्होंने कोई जाती मफाद, सियासत तो एक लिहाज से मफाद परस्ती है। यानी मैं आपको एक मंजर दिखाना चाहता हूँ जिसपे मेरी आंखों में आंसू आए और मेरा दिल चाहा था और वो दिल के अंदर बात रह गई। यानी मुशर्रफ के ज़माने के अंदर जो है वो हम गिरफ़्तार होकर पेश हुए एक कोर्ट के अंदर, एंटी टेररिस्ट कोर्ट, नहर के ऊपर जो है जी ये सारी मौजूद थी, और हमारी मौजूदगी में
राम पुलिस के साथ आए और ये भी एक वक्त में गिरफ्तार रहे हैं, गिरफ्तारी के बाद ये उन अदालतों में पेश होते रहे। मंजर ये है कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट में ये भी पेश हुए। हमने तो बाद में पुलिस की, ये तो डेनमार्क में जो गुस्ताखाना, नहीं ये बुनियादी तौर पे पहले की बात है, ये जी ये बुनियादी तौर पे मुशर्रफ के खिलाफ जो भी जद्दोजहद दौरान हुई, तहरीक चली, अमेरिका के खिलाफ हुई, ये सारी चीजें इसके दौर में जो है ना, उन्होंने जाहिर है कि मुकदमात भी बनाए और वो मुकदमात भी दहशत गर्दी के बनाए। अब जब मौलाना आए हैं तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि यार हम लोग तो ठीक है, एक सियासी जद्दोजहद करने वाले लोग हैं, इनको क्यों किया? ये तो मतलब ये कि हमारे कायद है, दीन का एक फिक्र है और दरवेश आदमी है, मुखलिस तरीन आदमी है। और जब मेरे सामने वो गए हैं ना जी, एक मोटरसाइकिल पर गए हैं, मैं रोया हूँ अपनी आंखों से उनकी इस जाने को, और मेरा दिल चाह गया काश मेरे पास कैमरे वाला मोबाइल हो और मैं ये तस्वीर किसी तरह से मतलब ये कि बनाऊं और इसे पूरी कौम को दिखाऊं कि ये है चीज। यानी अगर वो चाहते तो उनके पास गाड़ियां आ सकती थी, मुस्लिम लीग नून को कहते या हमें कहते तो जीपें आके लैंड क्रूजर लाके उन्हें जो है ना वो लाना, अकेले वो आए हैं। उसी मोटरसाइकिल को उन्होंने पार किया है, एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर वो पेश हुए हैं उसी मोटरसाइकिल के ऊपर। अच्छा, अमूमी तौर पर ये जो इखलास है ना जी, ये हमारे यहाँ अब कहीं भी नहीं मिलता, ना दीनी जमातों में मिल रहा है, ना दीनी शख्सियत, बहुत खाल खाल ऐसे लोग रह गए हैं कि जिन्होंने सब कुछ फनाफिल अल्लाह करते हुए अपने आप को जो है वो इन सारे मफादात से बालातर रखकर एक ये सोचते हुए कि जो कुछ कर रहे हैं वो दीन की खातिर कर रहे हैं, अल्लाह की खातिर कर रहे हैं, और इसका अजर जो है वो अगले जहान में। बहुत खूबसूरत आपने जो है वो उनका क्या भी बयान फरमाया, उनकी आजिज़ी की मिसाल थी ये। मैं हाफिज़ काज़िम रज़ा नकवी साहब के पास जाने से पहले एक ब्रेक पे जाऊंगा जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर उनकी जो बैनुल मसालिक अमाहंगी के लिए जो उनकी कोशिशें हैं उसके ऊपर आपने रोशनी डाली। एक ब्रेक लेते हैं मेरे साथ भी। जी वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद सरफराज नईमी साहब की शहादत के मुनासबत से आज हम खसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा उनका तारुफ़ जो है वो बैकग्राउंड तारुफ़ मैं करवाता चलूँ। आप मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी साहब के यहाँ दालगरा चौक में 1948 में पैदा हुए थे। आपने अपनी इब्तदाई तालीम जामिया मस्जिद चौक दालगरा ब्रांड रोड से हासिल की, मिडल और मेट्रिक आपने गवर्नमेंट इकबाल हाई स्कूल से गढ़ी शाह से हासिल की, एमए अरबी, एमए इस्लामियात और एलएलबी की डिग्रियां आपने जामिया पंजाब पंजाब यूनिवर्सिटी से हासिल की। इसके बाद फिर आप जामिया अज़हर मिसर से 1986 के अंदर आपने शहादतुल फराक का कोर्स भी किया। अच्छा, फिर 1992 में आप पंजाब यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की आला डिग्री आपने हासिल की और 1998 में आपके वाली साहब की वफात के बाद आपको जामिया नईमिया का नाज़म आला मुकर्रर किया गया था। डॉक्टर साहब ऐसे ही है? बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, इसमें एक और जामिया नईमिया की खसूसियात में से एक खसूसियत ये भी है कि आप के हाँ जदीद और कदीम दोनों तरह के अलूम पढ़ाए जाते हैं और उसमें जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो डॉक्टर सरफराज नईमी साहब का है। मैं जाना चाहूँगा अलामा हाफिज़ काज़िम रज़ा नकवी साहब के पास। सर, आप उनकी बैनुल मसालिक अमांगी के लिए जो उनकी कोशिशें थी सर, उसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिए। आज सच टीवी ने एक अजीम इंसान की को खराज अकीदत पेश करने के लिए जो शख्सियतों का इंतखाब किया, खुसूसन उनके फर्जंद का और अमीरुल अजीम साहब का, लायक तहसीन है। बहुत शुक्रिया। जो कौम के मोहसिन होते हैं अगर उन्हें याद किया जाए तो कौमें ज़िंदा रहती हैं। आइंदा नस्लों तक इन चीज़ों का पहुंचाना, चाहे मीडिया के ज़रिए हो, चाहे दरस व तदरीस के ज़रिए हो, कुरान मजीद में भी वाक़ात कसस इसी हवाले से हैं ताकि इंसान इबरत भी पकड़े और आइंदा के ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजारने की कोशिश करे। ये हमारे सामने नमूना है, ये शख्सियतें। मैं चंद दिन पहले, आप भी साथ ही थे और जनाब राग़िब नईमी साहब के साथ फातिहा पढ़ी हमने, हमने वो मौलाना साहब की फातिहा के लिए और फिर उसके बाद उनकी कब्र पर जाकर भी हमने फातिहा पढ़ी। बिल्कुल। उनके वालिद मोहतरम की कब्र पर भी फातिहा पढ़ी। चूँकि मेरी ज़िंदगी 60 साल यहीं गुजरी है तो बहुत अरसा पहले से लेकर आज तक जामिया नईमिया के साथ हमारी हमेशा वाबस्तगी रही है। पहले राग़िब नईमी साहब के दादा मोहतरम और सरफराज नईमी शहीद के वालिद मोहतरम
मैं जूनियर तालिब इलम था, हमारे साथी सीनियर तालिब इलम थे जो इस वक्त पूरी दुनिया के मुजतहद आज़म हैं, जो सन 64 में यहाँ से नजफ़ अशरफ इराक गए बाब मदीनतुल इल्म नजफ़ दरवाज़े पर मौला अली के, आज तक वहीं पर हैं और वहाँ उनका जो आला मकाम जैसे आका खुमैनी आका खामनाई आका सिस्तानी का है, उस मकाम पर हैं वो आका हाफिज बशीर हुसैन नजफ़। हाँ जी, बशीर हुसैन नजफ़ साहब। और मैं फ़ख्र से ये बात कहा करता हूँ कि ये ऐसा गैर मुतासिब इदारा था कि जहाँ पर हमारे अल्लामा मूसा बेग नजफ़ी जामतुल मुंतज़र के उस्ताद और आयतुल्लाहुल उज़्मा हाफिज बशीर हुसैन नजफ़ी इजाफ़ी वक्त में सरफराज नईमी शहीद के वालिद के पास खुसूसी दर्स के लिए जाया करते थे। बिल्कुल ठीक। तो हम इस घराने को मोहसिन भी समझते हैं और इल्म की तरवीज का ज़रिया भी समझते हैं। जहाँ तक सरफराज नईमी शहीद का ताल्लुक है, मेरी ज़िंदगी गुजरी है, मैंने हमेशा चूँकि जामियतुल मुंतज़र की तरफ से और तहरीक जाफरिया कायद मिल्लत अल्लामा साजिद अली नकवी साहब की तरफ से तर्जमान की हैसियत से अक्सर मकामात पर मुझे जाना नसीब होता रहा। सही। तो उस सिलसिले में जहाँ भी हम गए, चाहे मंसूरा में हों, चाहे जामे नईमिया में हों, चाहे अलहुमरा हाल में हों, जिस तरह अमीरुल अजीम साहब ने ज़िक्र किया सरफराज नईमी शहीद का, इंतहाई सादगी, स्कूटर पर, मोटरसाइकिल नहीं, स्कूटर मोटरसाइकिल स्कूटर पे अक्सर उन्हें देखा तो पता करा लेना क्योंकि हमारा ज्यादा उनका। अच्छा ठीक है, एक आगाज में स्कूटर ही चलता था। मोटरसाइकिल वाली बात भी तो सर्दी से कह सकते हैं, बाहर वाली मिलजुल कर ही पता। ठीक है, स्कूटर हो या मोटरसाइकिल हो, ये सादगी की अजीम अलामत है। अब मेरी 73 साल उम्र में है, परसों आपके सामने ही मोटरसाइकिल पे आया। जी जी। कहने लगी मोटरसाइकिल चला रहे, मैं रास्ता बंद था तो गाड़ी निकल नहीं, पहुंचना जरूरी था। और बिल्कुल ठीक था। तो बहरहाल ये चीज़ें प्रोटोकॉल नहीं होती, प्रोटोकॉल होता है इंसान का किरदार। किरदार जैसे उनका फर्जंद राग़िब नईमी साहब भी अब वही उसी रास्ते पे चल रहे हैं। सादगी की तो इंतहा थी मुख्तलिफ मकामात पर। मैं उन अमीर अजीम साहब जिक्र कर रहा था, मुझे पता नहीं कल किसी ने जिक्र किया, फरीद प्राचा साहब की बात करने लगे। मैं कहीं फरीद प्राचा साहब की बात भी कर लो, आप उनके वालिद गुलजार गुलहरी साहब की बात करो। मेरा पहला मुज़ाकरा निकाह के मौजू पर शाहिद है ना, वो एडिटर खबर अखबार वाला, उस वक्त जंग में था, जो खबरें का है दे दे। वो उस वक्त वहाँ था, जंग अखबार में था। और पहला मुज़ाकरा मेरा जब हुआ था तो उस वक्त गुलजार नईमी साहब, गुलहरी साहब और दूसरे जो चांद के वो मशहूर मारूफ दाता दरबार के साथ है महमूद अहमद रजी साहब, वो और मैं नौजवान मौलवी, नया मौलवी इस मार्केट में आया हुआ। सही। इस मौजू पर बात हुई थी। हाँ, ठीक। पर तो आज ही तस्वीर में मेरे सामने, आपके सामने, बिल्कुल ठीक है। तो मैं वो, ये लोग हर मुजाकरे में हर मकाम पर, हम अक्सर जिस तरह अब हम जी जी होते हैं इसी तरह पहले भी हुआ करते थे। ये इनका एक और मैं आपको अर्ज करूं, नाजरीन 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 के लिए अर्ज करूं कि बैनुल मुसालिक हम आंगी के लिए इन्होंने एक मुतहिदा उलमा बोर्ड बनाया था, उसके ये पंजाब के रुकन भी थे, उसके बड़े अहम रुकन थे और बैनुल मुसालिक हम आंगी में इनका बड़ा बुनियादी किरदार था। मैं डॉक्टर राग़िब नईमी साहब आपके पास जाना चाहूँगा और मैं उस पस मंज़र को जानना चाहता हूँ जिसके अंदर इन्होंने फ़िरका वाराना दहशतगर्दी जो उस वक्त हो रही थी उसके खिलाफ एक फतवा दिया था। इसमें जो मैं नाज़रीन के लिए आपने क्लियर करना है कि आप अफगान तालिबान के तो हामी थे, पाकिस्तानी तालिबान के मुखालिफ थे, तो ये इन दोनों बातों में इतना वो फ़र्क क्यों था, आप दोनों को मुख्तलिफ क्यों समझते थे, इसके ऊपर भी रोशनी डालें। बड़ी बड़ा अहम क्वेश्चन है आपका ये। सबसे पहली बात तो ये कि जिस वक्त तालिबान की शोरस शुरू हुई जी। और उन्होंने सवात के इलाके के ऊपर कब्ज़ा कर लिया और करीब था कि वो तरबेला तक आ जाते हैं और उसके बाद फिर तरबेला से इस्लामाबाद दूर नहीं है। दूर नहीं था। अच्छा, एक बात यानी ये पस मंज़र है, इसमें फिर ख़ास तौर पे ये
कि उस वक्त दीनी कुवतें और ताकतें खामोश, और वो देखनी थी कि पता नहीं क्या होगा। और फिर एक बड़ी अहम चीज़ इसमें ये भी थी कि लोगों के जहनों में गज़वा हिंद के हवाले से जो हदीस है वो भी थी कि शायद ये जो तालिबान अफगानिस्तान के अंदर आ गया है और पाकिस्तान के अंदर आ गए हैं, तो क्या गज़वा गज़वा हिंद का पेश खैमा तो नहीं हो रहा, तो वो मतलब जो कह लीजिए कन्फ्यूजन थी। अच्छा, उस कन्फ्यूजन में अगर आप अकेले बाहर निकलते या सिर्फ अपने मसलों को लेकर बाहर निकलते तो फिर ये और फिरका वराना बात बन जाती। आपने बड़ा अहम जो मूव लिया वो ये लिया कि आपने जामिया नीमिया में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करवाया और उस कॉन्फ्रेंस में 28 दीनी व दीनी सियासी जमातों के नुमाइंदगान और सरबराहान को दावत दी और वो आए, और एक नकाती एजेंडा था कि तालिबान के हवाले से हमें सोच कर एक फतवा जारी करना है कि क्या इनके खुदकुश धमाकों का जो एक फिक्री मुखालता है क्या हमने उसका रद्द करना है कि नहीं करना, क्या हमने दलाइल से इनकी इस स्ट्रेटजी को ख़त्म करना है कि नहीं करना, और अगर हम ख़त्म नहीं करते हैं तो क्या हमें फिर उनके साथ हो जाना चाहिए जो पाकिस्तान में धमाके कर रहे हैं और खुदकुश धमाकों के साथ साथ लोगों को कत्ल भी कर रहे हैं और अफवाज पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। तो अब मैं अब आपके सामने नाम ले रहा हूँ कि वो कौन कौन अहम लोग उस फतवे के इजरा में शरीक थे। जमात इस्लामी की तरफ से डॉक्टर फरीद प्राचा साहब तशरीफ़ लाए थे, जमात दावा से हाफिज़ सईद साहब ख़ुद उसमें तशरीफ़ लाए थे, अमीर हमजा साहब भी थे, जमात उलमा इस्लाम की तरफ से मौलाना अमजद ख़ान साहब उसमें मौजूद थे, जमात उलमा पाकिस्तान की तरफ से जनाब जवार बहादुर साहब इंजीनियर सलीमुल्लाह साहब उसमें मौजूद थे, मलक अब्दुलरऊफ़ साहब उसमें मौजूद थे, जो कि किसी ज़माने में एक मूव चली थी जिसके अंदर शरीयत बिल लाना था तो वो उसके सेक्रेटरी हुआ करते थे, उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद ख़ान साहब कादरी अलैह रहमा वो उसके अंदर मौजूद थे जिनका भी हाल ही में इंतकाल हुआ है। अब आप ये देख लीजिए कि ये उस वक्त की बड़ी अहम शख्सियात हैं और ये हर काजी नियाज नकवी साहब जमातुल मुंतज़िर के जो सरबराह हैं वो उसके अंदर मौजूद थे। अब आप ये देख लीजिए कि लाहौर के अंदर बल्कि पंजाब और पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं वो सब तमाम उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद थे। उस वक्त का जो माहौल था कि दहशतगर्दी आम हो चुकी थी, एक तरफ हमारी हुकूमत पाकिस्तान जो थी वो अमरीका की हमायती बन चुकी थी, अमरीका अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, यहाँ पर दहशतगर्दों के हमले जारी हैं, आवाम कन्फ्यूज थी कि बेसिकली ये बात जो है वो किस करवट बैठेगी, तो आपने वहाँ पर कन्फ्यूजन दूर की फतवे के जरिए। इस फतवे के जरिए, और फतवा क्या था, पाकिस्तान में होने वाले जितने दहशतगर्दी के वाक़यात हैं और फायरिंग हो रही है और लोगों को मासूम लोगों को कत्ल किया जा रहा है और जो ख़ुद कुछ हमले इस्लाम के नाम पर किए जा रहे हैं ये हराम हैं, ये नजायज़ हैं, इनका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है, और जो शरीयत के नाम पर ये दलाइल दिए जा रहे हैं, दलाइल अख़ज़ किए गए हैं, ये सारे के सारे सही नहीं है। और फिर आप ये देखिए, ये असल में पेश खेमा बन रहा है उस एलामिया का जो आज पाकिस्तान के एलामिए के तौर पे पैगाम है, पाकिस्तान के तौर पे हमारे सामने मौजूद है। अगर आप देखें तो ये उसका पेश खेमा है जो कि उसकी कड़ी है, बिल्कुल आगे बढ़ी है। मैं सर आपके पास जाना चाहूँगा, मिरुल अज़ीम साहब, सर आप किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, मुझे याद है उस वक्त हम स्टूडेंट थे, पढ़ते थे और अमेरिका के ख़िलाफ़ बाकायदा जमात इस्लामी ने तहरीक भी चलाई थी जिसका भी आपने पहले जिक्र भी किया कि गिरफ्तारियां भी उसके अंदर हुई थी, जो काजी साहब जो थे उसको सारे पिक्चर को लीड कर रहे थे, लेकिन बहरहाल ये सारी पिक्चर का सेहरा, इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फतवे का सेहरा जो है वो डॉक्टर सरफराज नईमी साहब के हिस्से में आया, उसके ऊपर उधर आपने आपको बताऊँ जी, एक छोटी सी तारीखी इमानत है, एक लाहौर के एक बड़े आदमी की जनाजे में शरीक था, लोग वापस जा रहे थे, हम एक जगह पे पार्किंग में खड़े थे कि ये लोग निकलें, तो शहीद सरफराज नईमी साहब ने मुझसे बात की कि यार ये जो पूरी सूरत हाल है इस पर हमें सबको मिल बैठना चाहिए और ये बड़ी एक कन्फ्यूजिंग सी सूरत हाल है, अमेरिका भी पूरी तरह से कर रहा है और दूसरे हमारे बॉर्डर्स के ऊपर ये जो नए नए इकदाम और ख़ुदकुश हमले और ये सारी चीज़ें, तो इस पर कोई मैसेज जाना चाहिए। मैंने कहा कि मौलाना हम लोग अमेरिका के ख़िलाफ़ गो अमेरिका गो चल रहे हैं, हमें लोग समझते हैं गोया हम प्रो तालिबान हैं, हम अमरीका के ख़िलाफ़ हैं और ये जो सो कॉल्ड तालिबान हैं जो ये सारा काम कर रहे हैं हमें खाते में डाला जाता है, वो चाहते थे कि मैं मंसूरा आऊँ और इस पर गुफ्तगू हूँ। मैंने कहा लेकिन अगर आप इनिशिएटिव ले लें तो हम आपके साथ हैं और ये वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है, यानी ये उस मजलिस में खड़े खड़े बात हुई इंतजार में उनको मतलब एक ऐसी गुफ्तगू हुई चलेगा। उन्होंने 3-4 दिन के बाद इसके ऊपर खुद स्टैंड ले लिया और हमें दावतनामा मिल गया,
मजली से मिलनी शरी, ये एक उन्होंने तंजीम जामे नीमा में इसका पहला इजलास, दूसरे इजलास में फिर उन्होंने हमें इकट्ठे किया 23, मेरा ख्याल 30 मई को ये दूसरा इजलास था। इस दूसरे इजलास के अंदर दो करारदादें हुई, एक करारदाद जो थी ना उस वक्त इस सवाद के इलाके के अंदर कुछ मज़ारात को मुनहदिम किया गया, हाँ जी, जिसके ऊपर हमने कहा कि इसकी सख्त मजम्मत होनी चाहिए। मैं उस मीटिंग के अंदर चाहता था कि इसके ऊपर ज़ोरदार करारदाद आनी चाहिए, ये हमारा नुक्ता नज़र ठीक नहीं है, और जो लोग भी कर रहे हैं मेरा ख्याल था कि ये सब एजेंट हैं अमेरिका के, ये एक लिहाज से इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। उसमें एक और चीज़ वो भी 295C के हवाले से भी बात हुई थी, वो इतनी बड़ी बात अच्छा, नहीं थी वो, आप ये दो बड़े इशूज जो है ना वो मौजूद थे। अच्छा मैं तो जाहिर है इस पे हमारे जो दूसरे दोस्त थे उसमें शरीक थे तो उनका कुछ थोड़ा सा सॉफ्ट था नुक्ता नज़र, तो मौलाना ने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा देखिए ये तो जो है सो है, ईरान के अंदर एक इनकलाब बरपा हुआ, ये तो देवबंदी और बरेलवी और ये एक और तरह की चीज़ें हैं, तो हमने तो उसको सपोर्ट किया कि अमेरिका के मुकाबले में ये एक बहुत दीनी तहरीक है जो ईरान के अंदर बर्पा होगी हुई है, तो मैं तो ऑल आउट फॉर दिस, ठीक है। उन्होंने जो मैं चाहता था कि बड़ी सख्ती के साथ मजम्मत की जाए, उन्होंने करारदाद में भी ये कहा कि लोगों की दिलदारी भी ना हमारा पैगाम हो जाए। दूसरा फिर उन्होंने कहा था जी ज़रूरत है कि अमरीका के खिलाफ एक जदोजहद मिल, ये दो करारदादे बनाई, एक स्टेयरिंग कमेटी कायम की गई, 6-7 अफराद पर मुश्तमिल थी, मैं भी उस कमेटी के अंदर शामिल था। जिस दिन उनकी शहादत हुई है उस दिन भी मेरा ख्याल है कि वो उस स्टेयरिंग कमेटी की मीटिंग जो है ना वो शाम को मौजूद थी, जो कि जाहिर है कि इस होने की वजह से जो है वो नहीं हो सकी। तो हर वक्त वो इस बात के लिए हमतन मसरूफ रहते थे कि लोगों के अंदर हम आंगी की जाए, लोगों के अंदर जो है ना वो जो मुश्तरकात हैं उसको प्रमोट किया जाए, और अगर कहीं मजम्मत करनी है तो इसके नतीजे में कोई ऐसी चीज ना हो कि जिसको कोई दुश्मन जो है ना वो इस्तेमाल करने की कोशिश। बिल्कुल ठीक है, मुझे ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ तो फिर हाफिज काजिम रजा नकवी साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि फौजी हुकूमत का एक डर और खौफ था उस वक्त, आपने उस डर और खौफ को जो है वो बहुत पीछे कर दिया और आप डट कर खड़े हुए, और आपने कानून नामूस रिसालत हो उसमें 295C का मामला हो उसके ऊपर भी आवाज़ बुलंद की, आपने जब डेनमार्क के अंदर जो खाके शाया हुए थे इन अमेज खाके शाया हुए उनमें तो बल्कि बकायदा आपको गिरफ्तारी का भी सामना करना पड़ा, उस जुलूस को जो लाहौर के अंदर हुआ था उसको भी आपने लीड किया था, इन पहलुओं के ऊपर रोशनी डालते हैं, मेरे साथ रहिए, ब्रेक लेते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन, मैं अलामा सईद काज़िम रज़ा नकवी साहब, सर आपके पास जाना चाहूँगा, 295C का मामला हो जी, कानून नामूस रिसालत का मामला हो या तोहीन अमेज खाकों का मामला हो, आपने आप हमें फ्रंट लाइन पर नज़र आए, हमेशा आप लीड करते नज़र आए, और तोहीन अमेज खाकों की पादाश में तो आपको उस वक्त के फौजी आमर ने जेल में भी डाल दिया और 3 माह तक आप जेल के अंदर रहे, और फिर उसके बाद आपको अदालतों से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बरी बाइज़्ज़त बरी भी किया, तो हज़रत वो जो उस वक्त का सिनेरियो था, उस वक्त की जो पिक्चर थी, उसमें आपने डॉक्टर सरफराज नईमी को जिस अंदाज से लीड करते हुए देखा उसके ऊपर रोशनी डाली। मैंने पहले अर्ज किया है कि डॉक्टर सरफराज नईमी शहीद का ओढ़ना बिछाना मिली लिहाज से था, कौमी लिहाज से था, मुल्की लिहाज से था, हमेशा उनका किरदार इसी हवाले से रहा, और ख़ास तौर पर जब ये मजहबी मामला डेनमार्क के वो खाकों का मामला हो या तोहीना में ये सिलसिलों का मामला हो, फिर तो मौत ज़िंदगी का सवाल बन जाता था। उस सिलसिले में मैं ये नहीं कहता कि वो हमारे साथ थे बल्कि हम उनके साथ थे, क्योंकि वो लीड करने वाले थे, और हम इस आज के दौर में मैं हैरान रहता हूँ, ये कल परसों भी ख़त्म नबूवत के सिलसिले में बहुत से प्रोग्राम हुए और उस सिलसिले में वो करारदाद मजम्मत पास की गई, और फिर कुछ जो परवेज़ इलाही साहब ने पेश किया है उसकी खराज तहसीन पेश किया गया, तो उसमें मुझे कोई नज़र नहीं आया कि फिकह जाफरिया के हवाले से कि एक अलहदा सिलसिला ये कायम कर लेना, क्योंकि हम इकट्ठे चल रहे हैं, पुराना ज़माना था मुजफ्फर अली शमसी हो या आयन गन करारवी साहब हों, अल्लामा हाफिज कैफ़ हसन साहब हों, उसके बाद का दौर, फिर हम खुद हाफिज काज़िम रज़ा नकवी हों, काजी नियाज नकवी साहब हों, ये किसी का ज़ाती मामला नहीं होता ख़त्म नबूवत वाला, ये दीगर मामलात, इसके लिए चाहिए ये कि
कि एक इनफरादी अलहदा डेढ़ इंट की मस्जिद बनाने की बजाय ये काम इज्तिमाई ही करने चाहिए, जिस अंदाज में डॉक्टर सरफराज नईमी किया करते थे। यानी हमें उनकी जिंदगी का एक पहलू ये भी है कि वो इज्तिमाईयत को तरजीह दिया करते थे, और हम समझते हैं कि खत्म इनफरादियत से बहुत दूर थे। नबूवत के हवाले से हम समझते हैं कि हमसे आगे और कौन हो सकता है, लेकिन अगर कोई ये इस हवाले से, तो मैं कहता हूँ कि वो खत्म नबूवत को नुकसान पहुँचाने वाला होता है जब ये इनफरादियत अपनी ज़ाती हवाले से कुछ करने लगे। तो खत्म नबूवत के हवाले से वो मुसलमान ही नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ वो इंसान ही नहीं जो खत्म नबूवत के हवाले से अपनी जान से, अपने इज्जत से, नामूस से ज़्यादा इसे फौकियत न दे। तो अब ये करारदाद जो पेश की गई है, हम खराज तहसीन पेश करते हैं हसन मुर्तज़ा साहब को भी और परवेज़ इलाही साहब को भी, और जिस अंदाज में वो जनाब ख़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा खातून जन्नत के मज़ार की तामीर के सिलसिले में बात की, काम पंजाब असेंबली के अंदर करारदाद पेश की गई, लेकिन हिस्सा डालना, हिस्सा डाला गया, बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह से मैं डॉक्टर रागिब नईमी साहब आपके पास जाना चाहूँगा, आपने इत्तेहाद तंज़ीमात मदारिस से दीनिया कायम किया, इसका पस मंज़र ये था कि मुशर्रफ साहब जो थे वो उस वक्त मदारिस दीनिया के ख़िलाफ़ जो है वो कुछ इकदाम उठा रहे थे, तो वो उसका बैकग्राउंड ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए रोशनी डालिएगा कि परवेज़ मुशर्रफ को मदारिस से क्या मसाइल क्या थे, वो क्यों इसके ख़िलाफ़ थे, और फिर जो इनका किरदार है वो उस किरदार के ऊपर रोशनी डालिए। देखिए, एक बड़ी अहम चीज़ ये है कि मदारिस हमेशा से अग़यार को आँखों में खटकते हैं, और वो समझते हैं कि अगर अवाम के अंदर दीनी हमीयत है और दीनी गैरत है तो उसके पीछे मदारिस और उलमा हैं, तो वो चाहते हैं कि मदारिस की जो बेहकुनी कर दी जाए या मदारिस को इस तरह कर दिया जाए कि इन में से फारिग तहसील उलमा में वो दीनी हमीयत और गैरत ख़त्म होकर रह जाए। अब हमें जहन में रखना चाहिए कि मुशर्रफ के दौर में अमेरिका की तरफ से 6 अरब रुपए दिए गए थे मदारिस की रिफॉर्मेशन के लिए, और वो मदारिस को मिले भी थे, लेकिन डॉक्टर साहब अलैहिर्रहमा ये समझते थे कि अगर इस तरीके से आना शुरू हो गया मामलात, तो फिर ये मदारिस का जो असल पर्पज़ और असल इनका काम है वो बहुत पीछे होकर रह जाएगा। अच्छा, फिर इसमें यह भी था कि कुछ मदारिस के बोर्ड उसमें मदरसे कुछ कम हैं, कुछ मदारिस के बोर्ड में मदरसे ज़्यादा हैं, तो आपने जो इत्तेहाद तंजीमात मदारसे पाकिस्तान, ये पहले मदारसे दीनिया हुआ करती थी, इसको यानी यूँ कह लीजिए कि तमाम विफाक और जो तंजीमात हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर दिया कि हमने जब भी मदरसे के हवाले से बात करनी है हुकूमत से तो इकट्ठी करनी, हमारी आवाज़ एक होनी चाहिए, और उसका फ़ायदा ये होगा कि हुकूमत पहले 100 बार सोचेगी कि हमने मदरसों के ऊपर अगर हाथ डालना तो फिर एक मदरसे के ऊपर आदमी पड़ेगा, वो 35,000 मदरसे जो हैं वो उनके ऊपर हाथ डाला जाएगा। इसके नतीजे में मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त से लेकर अब तक इत्तेहाद तंजीमात मदारसे पाकिस्तान मौजूद है, और हुकूमत अब जब कभी भी मदारिस के हवाले से किसी भी इनिशिएटिव को लेती है तो वो किसी मदरसे से अकेले बात नहीं करती। अच्छा, है बैनुल मज़ाहिब हमांगी के अंदर आपका किरदार, उसके ऊपर मुख्तसर रोशनी डालिएगा, बातें इतनी सारी हैं उनकी शख्सियत के, इतने पहलू हैं, मैं किस किस के ऊपर बात करूँ, वक्त नहीं है मेरे पास, लेकिन मुख्तसर फिर भी कुछ कोशिश करते हैं। देखिए, बैनुल मज़ाहिब हमांगी के अंदर सबसे अहम मामला ये है कि मुख्तलिफ मसाले के उलमा अमूमी तौर पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में एक दूसरे के यहाँ नहीं जाते हैं, आम तौर पे एक मसलक के यहाँ कोई प्रोग्राम होता है तो उसी मसलक के उलमा इकट्ठे होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जामिया नईमिया का ये थोड़ा इम्तियाज़ है कि जद्दे अमजद मुफ्ती नईमी साहब अलैहिर्रहमा से लेके अब मेरे तक, हम जहाँ कहीं पर भी अगर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का या इत्तेहाद बैनुल मसालिक का हो, बैनुल मसालिक का हो, हमें कहीं पर भी मदु किया जाता है तो हम वहाँ पर ज़रूर जाते हैं, वहाँ पर हिस्सा लेते हैं, चाहे आले तशैयों का कोई प्रोग्राम हो, चाहे किसी और मसलक का कोई प्रोग्राम हो, वहाँ पर जाके हम इस्लाम की जो बुनियादी बात है वो करते हैं, और वो इसलिए ताकि लोगों के सामने ये बात आ जाए कि इस्लाम वो सबका मरकजी महवर है। अच्छा, आप इत्तेहाद अहले सुन्नत के लिए भी कोशा रहे जी, आपकी शख्सियत का एक पहलू ये भी है, आप ये जो बैनुल मसालिक है इसमें तो इत्तेहाद उम्मत की बात आ जाती है ना, इत्तेहाद अहले सुन्नत के लिए भी हम कहते हैं इंट्रासेक्ट हारमोनी के लिए भी आपने बड़ा काम किया है। ये जो आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसल है ये बुनियादी तौर पे वालिद ग्रामी अलैहिर्रहमा का उसी इनिशिएटिव का मज़र था कि 12 के करीब मुख्तलिफ अहले सुन्नत की जमातें इकट्ठी हुई थी और फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसल मारज़े वजूद में। अच्छा, इसमें आखिर के अंदर मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि आपने उनकी ज़िंदगी के
कौन से पहलू को पकड़ा और आप समझते हैं कि मैं इसको अपनाने के बाद जो है वो मुतमइन हूँ, इत्मीनान है, कल भी इत्मीनान मुझे हासिल हो गया कि मैंने अपने अब्बा जी की कही बातों के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया। देखिए, जो उनका पढ़ाने का स्टाइल है, जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल है, समहाउ वो मैंने अडॉप्ट किया मदरसे के अंदर। फिर उनका एक बड़ा वही सेम पैटर्न आप कोशिश की है, कुछ चेंजिंग के साथ इनोवेशंस भी हम चीज़ों में लेकर आए हैं, नज़म को हमने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो शख्सियत के पॉजिटिव पहलू हैं उनको आपने बिलखसूस अपनाया अपनी शख्सियत के अंदर। पूरी कोशिश की अपनाने की है जी, और उसमें हम कामयाब भी हुए। अच्छा, इसमें कोई नसीहत अगर आप उनकी तरफ से जो आपको उन्होंने की हो और आपको याद हो और आप आगे नाज़रीन के लिए करना चाहें। एक बड़ी खूबसूरत बात वो फरमाया करते थे कि जो आलिम है जब वो मिंबर पर बैठता है तो उसका इल्म सामने बैठे हुए तमाम मुक्तदियों से ज़्यादा होना चाहिए। वाह वाह। अब मुक्तदियों में डॉक्टर भी होता है, प्रोफेसर भी होता है, वकील भी है, इंजीनियर भी है। गोया वो कहते थे, समझते थे कि जो इमाम है, खतीब है, वो इन तमाम उलूम पे उसको दसरस होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, उसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए। सर, आप उनकी ज़िंदगी से कोई पैगाम जो है वो अख़ज़ किया और आप हमारे नाज़रीन के लिए शेयर करना चाहें। डॉक्टर सरफराज नईमी शहीद एक मुकम्मल नमूना थे, जिस तरह उनके फर्जंद ने भी जिक्र किया, मैं भी इसी हवाले से कहूँगा कि हमारी मस्जिद का मुसल्ला जो है ना इमाम का, वो ख़राब इस वजह से हो गया कि कच्ची पक्की रोटी वाला वहाँ मालिक बन गया, फिर सुर्ख की वजह से उसने अपना सिलसिला शुरू कर दिया। इल्म की बुनियाद पर, मिंबर पर भी हो या मस्जिद में हो, इल्म की बुनियाद पर जब होगा वो तफरका भी पैदा नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक, और वो उसी रास्ते पे चलेगा जो सरफराज। बिल्कुल ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका। मैं 12 जून 2009 को अगर वो दिन याद करूँ जिस दिन मैं मास्टर्स के अंदर दाखला जो था वो हमारा तकरीबन होने जा रहा था, और उस वक्त जब डॉक्टर साहब की शहादत का मुझे इल्म हुआ, वो मंज़र मेरे बिल्कुल आँखों के सामने है। तो जिस तरह से हमारा उस वक्त जो कैफियत थी वो मैं उसको बयान नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल डॉक्टर साहब ने एक अजीम मकसद के लिए शहादत पाई, आपको शहीद पाकिस्तान का भी लकब दिया गया, आपकी खिदमात के एतराफ़ के अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने आपको तमगा हिलाल शुजात और सितारा शुजात से भी नवाजा। हम भी उनकी शहादत को जो है वो अपने लिए अमली नमूना समझते हैं कि वाकई अगर कभी हमें हक और सच के साथ आगे बढ़ना पड़े तो हम हर किस्म की के खौफ से बालातर होकर, हर किस्म के ओहदों से बालातर होकर हम ये सोचें, अपने मुल्क और कौम के लिए सोचें, हम अपने उम्मत के इत्तेहाद के लिए सोचें। ये उनकी ज़िंदगी का जो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा पैगाम है और इसी को लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। अब तक के लिए इस प्रोग्राम से इतना ही, आपसे एक नए स्पेशल प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।